थोड़ा फीलिंग ढूंढ रहे हो एंड यू आर न्यू स्टूडेंट राइट? हाँ, मैंने स्कूल में एडमिशन लिया है और आज मेरा पहला दिन है। ओके फाइन, सो व्हाट्स योर नेम? शोभा। और आपका? अरे आप मत बोलो, मैं तुम्हारे एज की तो मुझे तुम बोल सकते हो। वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कोई बड़ा बिजनेस ही होगा? नहीं, मेरे पापा तो एक ड्राइवर है। क्या तुम्हारे पापा ड्राइवर है? तो फिर इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कैसे लिया? यहाँ पे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। हाँ मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा स्कूल है और यहाँ खर्चे भी बहुत होते हैं, पर यहाँ एडमिशन मेरे पापा ने उनके मालिक ने करवाया और सारे खर्चे भी तो वही उठाएंगे। अरे देख न्यू गर्ल एलिना से बात कर रही है। चला न्यू स्टूडेंट हो? हाँ। तो बताओ कहाँ से बिलोंग करते हो? मिडिल क्लास या हम जैसे हाई क्लास? वो इसके पापा के कार के शोरूम है, महंगी और ब्रांडेड कार मिलते हैं इसके शोरूम पे। तब तो ठीक है, तुम हमारे लेवल की हो। तेरे नाले मैं खड़ूंगी। Let's go girls। हमारे स्कूल में कोई लो क्लास के स्टूडेंट नहीं आ रही है ना इस साल। कितने दिन हो गए किसी गरीब को उसकी औकात दिखाए हुए। इससे पहले जो भी एक गरीब लड़की थी उससे इतना सताया कि उसने स्कूल ही छोड़ दी। पूछला रब मेरे तो यारी। सुन लिया ना तुमने इन लोगों की बातें, इसलिए कल मैंने झूठ बोला था कि तुम बड़ी बाप की बेटी हो। अगर इन्हें पता चलता ना कि तुम गरीब घर से हो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि ये तुम्हारे साथ क्या करते। ये लोग बड़ी बाप की घमंडी बेटियां है। ये लोग गरीब को इंसान नहीं समझते। और हाँ, जब भी हमारे स्कूल में कोई गरीब स्टूडेंट आते है ना तो ये लोग उनका जीना आराम कर देते है। तो तुम इनसे दूर ही रहना और अपना सच्चाई बताना मत कभी। पर मुझे झूठ बोलना सही नहीं लगता। मैंने जैसा बोला वैसा करो, वरना तुम स्कूल में रह नहीं पाओगी। ठीक है। उम्मीद कदे साथ नहीं हो छड़ेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं हो कटेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं हो कटेगा। तुम पैदल आई, तुम्हें कोई छोड़ने नहीं आया? लुट जे गई ड्राइवर ना कार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। बाप का कार का शोरूम और बेटी पैदल आ रही है स्कूल। अरे वो मैं आई थी ना अपने कार से, पर मॉम को कुछ ज्वेलरी लेनी थी तो मैं आगे ही उतर गई। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। मुझे ना इस पर बहुत डाउट होता है, मुझे लगता नहीं कि ये अमीर है। हाँ यार, लगता तो मुझे भी नहीं है ये अमीर है। जिन्ना तू करेगा देखो, कहीं ये लड़की गरीब घर की तो नहीं? अरे नहीं यार, अगर गरीब होती तो स्कूल में किसी ना किसी से तो पता चली जाती, पर पता नहीं क्यों इसे देख के मुझे अमीर लगता नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। तेरे नाल मैं खड़ूंगी, जिन्ना तो करेगा ते तो वद के करूंगी। सुनो ना। हाँ बोलो। मेरे पापा को एक लग्जरी कार लेनी है, तो तुम अपने शोरूम का एड्रेस दोगी, हम वहीं से कार लेंगे। वो क्या है ना, हमारे शोरूम में अभी कोई कार स्टॉक में ही नहीं है, तो तुम शोरूम आके क्या करोगी? तुम कोई और शोरूम से ले लो। हाँ अब समझ आ गई मुझे तुम्हारी सच्चाई। झूठ बहुत अच्छी बोल लेती हो तुम। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम अमीर घर की लड़की हो ही नहीं सकती। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ समझ नहीं आता? अगर तुम इतनी ही अमीर घर की लड़की होती तो तुम्हारे हाथ में एक फोन भी नहीं है। क्यों? तो अब ना झूठ बोलना बंद कर। ये लो सुबह तुम्हारी फोन, एंड थैंक यू सो मच ये फोन देने के लिए। और हाँ, तुम्हारा पापा का कॉल आ रहा था, कह रहे थे कि 1 वीक और रहेंगे यूके में। जान बढ़ के तो जान नहीं हो कटेगा। क्या हुआ राखी, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है तो चले सुबह। मासूमियत लुट जे गई। क्या ये तो सच में अमीर है, हम गलत सोच रहे थे इसके बारे में। इसके पापा तो यूके में रहते हैं, ये लोग तो हमसे भी ज्यादा हाई क्लास है। हाँ यार ठीक बोली तूने। थैंक यू सो मच अलीना मुझे बचाने के लिए। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। पर ये सब कितना दिन तक चलेगा? हम कब तक झूठ के सहारे चलेंगे? जब तक तुम्हारे यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए तब तक। और हाँ, उन्हें किसी भी हालत में पता नहीं होनी चाहिए कि तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो। अच्छा तो ये सच्चाई है, मतलब हमारा डाउट सही था। अभी जाके राखी को बताती हूँ। तेरे नाल मैं खड़ूंगी, जिन्ना तू करेगा ते तो वद के करूंगी, जिथे कोई नहीं खड़ूंगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी, ओ जिन्ना तू। वाओ क्या एक्टिंग करते हो, व्हाट अ परफॉर्मेंस। तुम्हें तो स्कूल में नहीं, तुम्हें तो फिल्मों में होनी चाहिए। कहना क्या चाह रही हो तुम? ये आईफोन सच में तेरा है? हाँ। अच्छा ये तुमने क्या किया? मेरा हर फिकवाऊंगी। मेरे बाप के पावर का अंदाजा नहीं है तुम्हें। बहुत शौक है ना झूठा अमीर बनने का। अब बस तू 24 घंटे रुक, फिर मैं बताती हूँ। और तू एलिना, तुझे तो मैं देख लूंगी। चलो गर्ल्स। मासूमियत लुट जे गई, हंसा उड़ जो चेहरे तो यारी। देखा, मैंने कहा था ना कि उन्हें थोड़ा भी भनक लगे कि तुम गरीब हो तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकती। स्कूल में गरीब पढ़ने से अच्छा वो कभी जिंदगी पढ़ाई ना करे। तो मुझे कुछ सुनने में आया और सुन के मैं तो शॉक्ड ही हो गया। शोभा कम यार, सब जानते हो ये कौन है? नो सर। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? शोभा हमारे शहर की MLA की बेटी है। पुछला रब मेरे तो यारी सही सुना तुम सबने। शोभा, कल तुम्हारा पापा का मुझे कॉल आया था, उन्होंने तुम्हारा खास ख्याल रखने को बोला है और ये भी कहा कि तुम नहीं चाहते कि स्कूल में तुम्हें कोई MLA की बेटी के नाम से जाने। जी सर। पर क्यों? क्योंकि सर मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना पसंद है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो लोग मुझे MLA की बेटी बोलकर मुझसे डरते हैं, मुझसे दूर भागते हैं, कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने इस स्कूल से अपना पहचान छुपाया। तुम्हारा कहना भी सही है। तो तुम्हें कोई दोस्त मिला या नहीं? मिला ना सर। अलीना, मासूमियत लुट जे गई, तो यारी। अच्छा सही है। और एक बात, शोभा के पापा ने इस स्कूल के लिए इतना डोनेशन किए है कि अब स्कूल में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अब से किसी भी गरीब को पढ़ाई के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। CM साहब ने सब कुछ का बंदोबस्त कर लिया है गरीबों के लिए। तो ये हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओके, नाउ यू कैन लीव। और अलीना, अब से और तुम्हें अमीर बनने का नाटक नहीं करना होगा। एलिना और गरीब, जिस दिन इन लोगों ने तुम्हारा फोन तोड़ा था ना, उसी दिन मुझे सब पता चल गया था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं क्या करूँ, मैंने ये iPhone किस्तों में लिया था। ऐसे ही होता है दिखावा करने से। सबको तो लगता है मैं बड़ी बाप की बेटी हूँ, पर मेरे पापा तो एक गार्ड है। क्या से क्या करूँ अब मैं। ये लो तुम्हारे न्यू iPhone और ये कुछ पैसे भी रख लो, तुम्हारे काम आएगी। खरे ना के तो एक एहसान। अब खरे खरे मुँह क्या देख रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। छटेगा जान बढ़ के तो जान नहीं कटेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं कटेगा।